नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास क्लासेज में आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जिक्र करेंगे। आशा करते हैं कि सभी टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको किसी प्रकार का यदि डाउट वगैरह लगता है किसी टॉपिक में तो आप उसका डाउट क्लियर करें। अपना जो डाउट है आपके अंदर उस डाउट को आप क्लियर कर ले। आप कमेंट में वो डाउट पूछें हमसे। देखिए, आप पूछेंगे यदि आपके माइंड में कोई विचार आ रहा है और आप नहीं पूछेंगे तो विचार सदा आपके माइंड में घर बना लेगा एक सदा के लिए। तो आप जो भी आपके माइंड के दिल और दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हमारे साथ में डिस्कस करें। हम जो भी जहां तक संभावना है हम आपका आंसर अवश्य देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे। तो कोई बात नहीं है, आज का जो हमारा चैप्टर है आज का उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। याद रखना आपने, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है जिसमें नाम आता है जिसमें अनेक पर्वत पहाड़ पठार मरुस्थल और द्वीप समूह है। याद रखिएगा, जिसमें अनेक पर्वत पहाड़ मरुस्थल द्वीप समूह है, ये सभी चीजें आपने याद रखनी है। आइए हम बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र के ऊपर कितने परसेंट भाग के ऊपर पहाड़ है, कितने परसेंट भाग के ऊपर पर्वत है, कितने परसेंट भाग के ऊपर पठार है और कितना परसेंट भाग मैदानी है। ये देखे, भारत के लगभग 10.6% भाग के ऊपर पर्वत मिलते हैं। भारत के लगभग 10.6% भाग के ऊपर क्या मिलते हैं तो आपने याद रखना है 10.6% भाग के ऊपर पर्वत। पहाड़ियों के पॉइंट का डिस्कशन करें कि भारत के कितने परसेंट भाग के ऊपर पहाड़ी मिलती है तो आपने याद रखना है 18.5% भाग के ऊपर, 18.5% भाग के ऊपर मिलती है पहाड़ी। उसके बाद में भारत के कितने परसेंट भाग के ऊपर पठार है तो आपने याद रखना है 27.7% भाग के ऊपर पठार है। और मैदानी जो बाकी का क्षेत्र बच गया वो मैदानी इलाका है। और मैदानी इलाके से संबंधित पॉइंट का डिस्कशन करें तो भारत का कितना परसेंट भाग मैदानी है तो आपने याद रखना है 43.2% भाग है ये मैदानी है। ये आप नोट कर लीजिए साथ के साथ में। भारत के 10.6% भाग के ऊपर पर्वत है, भारत के 18.5% भाग के ऊपर पहाड़ियां हैं, भारत के 27.7% भाग के ऊपर क्या है पठार है और भारत के 43.2% भाग के ऊपर क्या मिलता है तो आपने याद रखना है क्या मिलता है, मैदान मिलता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पर्वतों का। पर्वत जो भारत के 10.6% हिस्से के ऊपर मिलते हैं इन्हीं पर्वतों का हम डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पर्वत होता क्या है, पर्वत जो है ये होता क्या है तो आपने याद रखना है धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो और जिसमें एक से अधिक शिखर हो और उनके शिखरों की ढाल अत्यधिक तीव्र हो। याद रखिएगा, अत्यधिक तीव्र हो, उनके शिखरों की ढाल अत्यधिक तीव्र हो, ये क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। याद फिर से सुन लीजिए, फिर से आप नोट कर लीजिए, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसमें एक से अधिक शिखर हो और उनके शिखरों की ढाल तीव्र हो और उन शिखरों की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो पर्वत कहलाते हैं। देख लीजिएगा एक बार, मान लेते कि ये धरातल है और धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसमें एक से अधिक शिखर हो, एक से अधिक शिखर और शिखरों की ढाल जो है, ये शिखरों की जो ढाल है ये 25 से 35 डिग्री के बीच में होनी चाहिए या अत्यधिक तीव्र होनी चाहिए तो उन्हें किस नाम से जानेंगे, पर्वतों के नाम से जानेंगे। पर्वतों में सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया से, उत्तरी भारत से हम पर्वतों के पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में हिमालय आता है जिसमें नाम उत्तर भारत में, और उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बाद में धीरे धीरे हम मैदानी क्षेत्र, उसके बाद में दक्षिण की पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट ये है, पर्वत किसे कहते हैं ये सभी को समझ में आ गया है, लेकिन पर्वतों में सबसे पहले नाम आता है कि भारत की उत्तरी सीमा के ऊपर स्थित पर्वत, भारत की उत्तरी सीमा के ऊपर स्थित पर्वत जिसका नाम क्या है तो आपने याद रखना है, जिसका नाम है हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पॉइंट का डिस्कशन हम करते हैं, आइए देखते हैं।
हिमालय सभी को मालूम है कि विश्व का सबसे नया बना पर्वत है। विश्व का जो सबसे नया बना पर्वत है हिमालय, वो कौन सा है? जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। विश्व का सबसे नया बना पर्वत हिमालय है, और हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसकी बात करें कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, तो आपने याद रखना है वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा वलित पर्वत किस प्रकार से बनते हैं, उनका भी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर जल्द ही करेंगे। देखें हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसका क्षेत्रफल लगभग 5,00,000 वर्ग किलोमीटर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो फैला है पश्चिम से पूर्व के अंदर, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो फैला है पश्चिम से पूर्व के अंदर, हिमालय पर्वत श्रृंखला देशांतर रेखाओं के अंदर फैला है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने देशांतरों के अंदर फैला है देखिए आप भाई। इस प्रकार से हमारे पास में पृथ्वी के ऊपर कौन सी रेखा खींची है? देशांतर रेखा है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला है वो इस प्रकार से फैला है, तो हिमालय अक्षांश लैटिट्यूड के अंदर नहीं फैला है, हिमालय फैला देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हिमालय फैला है। और हिमालय कितने देशांतरों में फैला है? तो हिमालय 22 देशांतरों में 22 लॉन्गिट्यूड के अंदर हिमालय फैला है। उसके बाद में आपने याद रखना है हिमालय की आकृति किस प्रकार की है, तो हिमालय की जो आकृति है वो धनुषाकार है। याद रखिएगा हिमालय की आकृति कौन सी है? धनुषाकार हिमालय की आकृति है। अब नाम आता है हिमालय के ऊपर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर पूरे साल बर्फ रहती है, और जहां पर पूरे स्थान जिन स्थानों के ऊपर जिस पहाड़ के ऊपर पूरे साल बर्फ रहती है, उस स्थान के उस रेखा को जहां से ऊपर बर्फ है उसे किस नाम से जानते हैं? हिमरेखा। आइए हम डिस्कशन करते हैं हिमरेखा क्या है और हिमरेखा की ऊंचाई कितनी होती है। हिमरेखा से तात्पर्य यह है कि पहाड़ों का वह ऊपरी भाग जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। देखिए हम हिमरेखा के पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। हिमरेखा से तात्पर्य यह है कि पहाड़ों का वह ऊपरी भाग जो सदैव पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, उस स्थान का जो है उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? उसके ऊपर के क्षेत्र को हिमरेखा। याद रखिएगा हिमरेखा का तात्पर्य यह है कि पहाड़ों का वह ऊपरी भाग जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। एक ऐसा पहाड़ है, मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है, इसके ऊपर वाला ये पहाड़ है, इस पहाड़ से ऊपर जो क्षेत्र है इस पहाड़ के ऊपर ये सदा बर्फ से ढका हुआ है, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये यहां तक का क्षेत्र हिमरेखा तक का क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन हिमरेखा की ऊंचाई सभी प्रदेशों के अंदर अलग अलग है, सॉरी हिमरेखा की ऊंचाई सभी पहाड़ों के अंदर अलग अलग है, सभी हिमालय के अंदर अदर प्रदेश नहीं आएंगे, हिमरेखा की ऊंचाई सभी पहाड़ों के अंदर अलग अलग है, जिसमें नाम आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर, कश्मीर जो हिमालय पड़ता है उसमें हिमरेखा की ऊंचाई कितना है, तो आपने याद रखना 6,000 मीटर। हिमरेखा की ऊंचाई हिमालय की अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग है, जिसमें नाम आता है सबसे पहले कश्मीर हिमालय, और कश्मीर हिमालय के अंदर हिमरेखा की ऊंचाई है 6,000 मीटर हिमरेखा की ऊंचाई है। उसके बाद में नाम आता है असम हिमालय, असम जिसकी राजधानी दिसपुर है, असम हिमालय जिसके अंदर हिमरेखा की ऊंचाई है 4420 मीटर जिसकी ऊंचाई है, नेपाल हिमालय जिसके अंदर 4500 मीटर हिमरेखा की ऊंचाई है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हिमालय है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमरेखा की जो ऊंचाई है वो कितना है, तो आप याद रखिएगा 3500 मीटर जिसकी ऊंचाई है। देखिए हमारा उद्देश्य आपको याद करवाना है और आपकी समझ में बैठाना है। यदि आपको समझ में अभी फिर से नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लिए। हिमरेखा से तात्पर्य होता है कि पहाड़ों का वह ऊपरी भाग जो सदा बर्फ से ढका रहता है। याद रखिएगा हिमरेखा से तात्पर्य है कि पहाड़ों का वह ऊपरी भाग जो सदा बर्फ से ढका रहता है। हिमरेखा की ऊंचाई अलग अलग हिमालय के अंदर, उसके अलग अलग पहाड़ों के अंदर अलग अलग है, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। इन चीजों को आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। ये जो लिखा है ये 6,000 मीटर है, और 6,000 कश्मीर हिमालय के अंदर जो है हिमरेखा की ऊंचाई वो 6,000 मीटर है। अब हिमालय विश्व का सबसे नया बना पर्वत है, और हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? वलित पर्वत का, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ है वो चीज हम एक बार डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास में एक वलित पर्वत पड़ता है, और उस वलित पर्वत का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा उस वलित पर्वत का नाम है हिमालय।
हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो एक हमारे पास में सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है भूसंति सिद्धांत। हमारे पास में एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा, भूसंति सिद्धांत। और इस भूसंति सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, वो प्रतिपादन किसने किया था, तो आपने याद रखना है एडवर्ड सुएस और कोबर ने। कोबर ये दोनों एक भूवैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने ये हिमालय का जो भूसंति सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था, और एडवर्ड सुएस ने और किसने किया था, कोबर ने। यदि आप पढ़ेंगे किसी नोटबुक में या आप गूगल वगैरह के ऊपर, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि कोबर का भूसंति सिद्धांत, वो कोबर का भूसंति सिद्धांत हमारे पास में यही पड़ता है। एडवर्ड सुएस और कोबर ने हमारे से दो बातें बताई थी कि हमारे पास में दो लैंड के भाग थे। एक लैंड का भाग हमारे पास में हुआ करता था, ये क्षेत्र एक लैंड का भाग हुआ करता था जिसका नाम था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड हुआ करता था। अब अंगारा लैंड जो लैंड का पार्ट था, इसका नाम अंगारा लैंड कैसे पड़ा, तो आप याद रखिएगा अंगारा लैंड साइबेरिया रूस के क्षेत्र को दर्शाती है। अंगारा जो लैंड है वो साइबेरिया रूस के क्षेत्र को दर्शाती है और इसका नाम अंगारी नदी के नाम पर पड़ा है। अंगारा लैंड साइबेरिया रूस के क्षेत्र को दर्शाती है और इसका नाम साइबेरिया के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है अंगारी नदी, और उसी अंगारी नदी के नाम पर इसका नाम अंगारा लैंड पड़ा है। और हमारे पास में दूसरी जो लैंड हुआ करती थी उस लैंड का क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा गोंडवाना लैंड। हमारे पास में दो लैंड के पार्ट थे, एक लैंड का पार्ट जिसमें नाम आता है अंगारा लैंड और एक हमारे पास में थी गोंडवाना लैंड। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो अंगारा लैंड है इसका नामकरण कैसे हुआ, लेकिन अब दूसरा पॉइंट आता है गोंडवाना लैंड का नामकरण कैसे हुआ। तो गोंडवाना लैंड का नामकरण गोंड जनजाति के नाम पर हुआ है, याद रखिए गोंडवाना लैंड का नामकरण गोंड जनजाति के नाम पर हुआ है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से मिलती है, याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का जो नामकरण है वो गोंड जनजाति के नाम पर हुआ है। हमारे पास में दो लैंड के पार्ट थे, एक अंगारा लैंड हुआ करती थी, एक गोंडवाना लैंड हुआ करती थी। ये एडवर्ड सुएस और कोबर अपने भूसंति सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रतिपादन करते हैं, और उनके बीच में एक भूसंति हुआ करती थी। कहने का तात्पर्य दो लैंड के पार्ट हुआ करते थे और उनके बीच में एक भूसंति थी, और उस भूसंति का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा टैथिस, या एक टैथिस सागर हुआ करता था। एक ही बात है, भूसंति या सागर, टैथिस सागर हुआ करता था। अब आप यहां पर ये क्वेश्चन ये उठता है कि बीच में यदि सागर है और उस सागर के अंदर यदि लगातार पानी बरकरार है, तो भाई साहब ऐसा तो था नहीं कि लगातार सागर के ऊपर ही वर्षा हो रही है उसी के कारण लगातार सागर में पानी बरकरार है। ऐसा भी नहीं था कि सूर्य का प्रकाश सागर के ऊपर सीधा पड़ा, सागर से वाटर वेपर ऊपर उठे, बादल बने और वर्षा सागर के ऊपर ही हो गई जिसके कारण सागर में पानी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बंगाल की खाड़ी में बेओ बंगाल के अंदर और अरेबियन सी के अंदर जो पानी है वो वहां की वर्षा के कारण है, नदियां गिरती है, नदियों के कारण ही वहां पर पानी बरकरार है। याद रखिएगा वे बंगाल में काफी मात्रा में नदियां गिरती है जिसके कारण पानी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर वर्षा हुई और उसी के कारण बंगाल की खाड़ी में भाई साहब पानी बरकरार है, ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा टैथिस सागर के अंदर यदि पानी था तो वो वर्षा का पानी ना होकर, देखिए वर्षा जो टैथिस सागर के ऊपर ना होकर उस सागर के अंदर नदियां गिरती थी। अब कोई नदी मान लेते कि अंगारा लैंड के ऊपर बहती थी, कोई नदी हमारे पास में एक लैंड हुआ करती थी जिसका नाम था अंगारा लैंड, एक धरातल का पार्ट था जिसका नाम था अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड से ऊपर से कोई नदी बहती थी और वो नदी कहां पर गिरती थी, टैथिस सागर के अंदर, कहां पर गिरती थी, टैथिस सागर के अंदर गिरती थी। तो नदी अपने साथ में अवसाद लेकर जाती होगी या नहीं जाती होगी, आप ही बता दें, आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी नदियां हैं, क्या नदी का पानी बिल्कुल कांच की तरह स्वच्छ होता है, हालांकि एक मेघालय के अंदर एक नदी बहती है जिसका पानी बिल्कुल कांच की तरह स्वच्छ है, याद रखिएगा मेघालय के अंदर एक नदी बहती है जिसका पानी बिल्कुल कांच की तरह स्वच्छ है। आप ऊपर बैठकर नाव के अंदर सफर कर रहे हैं तो नीचे की धरातल की चीजें भी आप देख सकते हैं, लेकिन क्या सभी नदियां इसी प्रकार से है? नहीं है। नदियां जो है पहाड़ी नदियां है वो अपने साथ में अवसाद लेकर आती है। आपने देखा होगा जब आप नदी वगैरह देखा होगा जैसे यमुना वगैरह गंगा वगैरह, इसके अंदर काफी मात्रा में रेत रहता है, जब ये बहती है पानी तो काफी मात्रा में इसके अंदर रेत मिलता है। तो आप याद रखिएगा जब अंगारा लैंड से कोई भी नदी गिरती होगी टैथिस सागर के अंदर तो अपने अवसाद जमा करती होगी टैथिस सागर के अंदर। दूसरा, जब गोंडवाना लैंड के ऊपर से कोई भी नदी आती होगी तो उसके भी अवसाद कहां पर जमा होते होंगे, टैथिस सागर में।
एक टाइम ऐसा आया कि तैतीस सागर के नीचे जो भी प्लेटें हुआ करती थी, ग्रेनाइट और रवेदार जो चट्टाने हुआ करती थी, रवेदार जो बेसाल्ट परतदार चट्टान तैतीस सागर के अंदर के नीचे, इसके ऊपर भाई साहब लगातार दबाव बढ़ता गया। दबाव कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो अपने साथ में अवसाद लेकर आ रही है, वो अवसाद लगातार जमा कर रही है तैतीस सागर में। अब तैतीस सागर के अंदर जैसे जैसे अवसाद जमा होते गए, इन निचली प्लेटों के ऊपर वजन पड़ता गया, इसके ऊपर भार बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही इसके ऊपर भार अत्यधिक पड़ा, ये दोनों प्लेटें जो हुआ करती थी तैतीस सागर के नीचे, आपस में टूट जाती। और जैसे ये प्लेट टूटी, ये प्लेट टूटकर नीचे की तरफ खिसक गई। अब दोनों प्लेटें टूटी है, अब दोनों प्लेटें टूटी है, तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगी। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, वो दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स बराबर लग रहा है, और यदि एक व्यक्ति बीच में से टूट जाता है तो दोनों झटके से पास में नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार से जब ये तैतीस सागर के अंदर अत्यधिक मात्रा में अवसाद जमा हुए थे, इन प्लेटों का नीचे की तरफ दशा हुआ था, जब ये प्लेटें टूटी थी तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुई थी, और जैसे ही ये प्लेट एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुई थी तो तैतीस सागर के अंदर जो अवसाद जमा थे, तैतीस सागर के अंदर जो अवसाद जमा थे, उन अवसादों के अंदर मोड़ पड़ने लगा था, उन अवसादों के अंदर वलन पड़ने लगा था। और जैसे जैसे अंगारा लैंड और जैसे जैसे गोंडवाना लैंड पास आने लगी थी, तो तैतीस सागर के अंदर जो अवसाद जमा हुआ करते थे, तैतीस सागर के अंदर जो अवसाद जमा थे, उन अवसादों के अंदर वलन पड़ने लगा था, मोड़ पड़ने लगा था। और जैसे जैसे प्लेटें पास पास आ रही थी, वलन मोड़ का आकार भी बढ़ता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया था, लगभग आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व, यहां पर पूर्ण तरीके से एक पर्वत बन चुका था, यहां पर पूर्ण तरीके से एक पर्वत बन चुका था। और उस पर्वत का नाम क्या रखा गया था, तो आप याद रखिएगा, हिमालय उस पर्वत का नाम रखा गया था। हिमालय संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें नाम आता है हिम प्लस आलय। हिमालय संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर, जिसका अर्थ होता है। आशा करते हैं कि ये सभी चीजें याद आपको समझ में आई होगी। तैतीस सागर के अंदर अवसाद जमा हुए, अवसादों का बल जब भार पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों के ऊपर पड़ा, तो एक टाइम ऐसा है कि पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें टूट गई, और जैसे ही पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें टूटी या नीचे की तरफ धसी, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की तरफ खिसकने लगी। और जैसे ही एक दूसरे की तरफ खिसकने लगी, तो तैतीस सागर के अंदर जो अवसाद जमा हुए थे नदियों के द्वारा या किसी भी कारणवश जो अवसाद जमा हुए थे, उन अवसादों के अंदर वलन पड़ने लगा था, मोड़ पड़ने लगा था। और जैसे ही मोड़ पड़ने लगा, यहां पर एक पर्वत का निर्माण कार्य शुरू हो गया, और उस पर्वत का निर्माण कार्य लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, और वो पर्वत जिसका नाम है हिमालय, और हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण कार्य लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हो चुका था। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी रुका नहीं है, याद रखिएगा, हिमालय की हाइट बढ़ती है, हिमालय की हाइट बढ़ती है, लगभग 50 वर्षों के अंदर 2 मीटर हिमालय की हाइट बढ़ती है। आपने देखा है, कहां देखा है, आपने बुकों के अंदर देखा है कि जो पुरानी बुकें आ रही थी, जो पुराने पब्लिशर थे, उन्होंने लिखा हुआ था 8848 लेकिन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, लेकिन जो वर्तमान में नई बुकें आ रही हैं, उसके अंदर इसकी ऊंचाई आती है 8850। तो ऐसा बताया गया है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, अभी भी दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है, और एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है, तो 50 वर्षों के अंदर हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगभग 2 मीटर बढ़ जाती है। याद रखिएगा, हिमालय एक वलित पर्वत है, और वलित पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है ये आपने देख लिया। अब यहां से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके का, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है और हिमालय का निर्माण इस प्रकार से हुआ है, तो विश्व के अंदर जितने भी वलित पर्वत है उनका निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है और वलित पर्वत का निर्माण इस प्रकार से हुआ है, तो हम ऐसा मान लें कि विश्व के अंदर जो भी वो और वलित पर्वत है उनका निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ होगा। तो आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे नया बना पर्वत हिमालय, जो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे कितने भागों के अंदर बांटा हुआ है, तो आप याद रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे 4 भागों के अंदर बांटा हुआ है। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, पढ़ना और पढ़ाना,
पढ़ना आपकी मजबूरी है और आपको आपके समझ में बैठाना हमारा काम है। आपको किस प्रकार से समझ में आता है वो हमारा काम है और समझाने का भी काम हमारा है। आपको समझ में नहीं आता है तो ये हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप कमेंट में लिखें कि समझ में ये बातें नहीं आई, तो उस बात का हम कमेंट में आपको आंसर देंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आया है। तो कोई बात नहीं, आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें और आप लगातार पढ़ें। देखें, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे कितने भागों के अंदर बांटा हुआ है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को चार भागों के अंदर बांटा है। एक देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो चार भागों के अंदर बटी हुई है, कौन कौन से चार भाग है वो देखें एक बार। जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा महान हिमालय का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा लघु हिमालय का नाम आता है। और उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा शिवालिक हिमालय का नाम आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे चार भागों के अंदर बांटा है, जिसमें नाम आता है सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बाद में किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा महान हिमालय का नाम आता है। और महान हिमालय के बाद में नाम आता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद में किसका नाम आता है, तो आप याद रखिएगा शिवालिक हिमालय का नाम आता है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसे चार भागों के अंदर बांटा है। आज हम जो इस वीडियो के अंदर एक जो आज का टॉपिक जो डिस्कस होगा, और उसमें हम बात करेंगे किस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। आप भी अपनी बुक के अंदर हेडिंग डाल लीजिए ट्रांस हिमालय। आइए देखते हैं, ट्रांस हिमालय का डिस्कशन करते हैं। ऐसा हम मान लेते कि अपने पास में एक उत्तर भारत बना हुआ है ऐसा, और जो हम बात करने जा रहे हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का जो एग्जांपल है उसकी। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसे कितने भागों के अंदर बांटा था, चार भागों के अंदर, जो सबसे पहला पार्ट था उसमें नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का नाम आता है। किसका नाम आता है, ट्रांस हिमालय। लेकिन इस ट्रांस हिमालय को कितने भागों के अंदर बांटा है, तो आप याद रखिएगा ट्रांस हिमालय तीन भागों के अंदर बटा हुआ है, जिसमें नाम आता है काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद में नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर पर्वत श्रृंखला। ट्रांस हिमालय, या जैसे आप बात कह सकते हैं कि हिमालय पार के पर्वत, इस नाम से भी जान सकते हैं, या जिसे आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं तिब्बती हिमालय। लेकिन हम अधिकतर बुकों के अंदर देखते हैं कि अधिकतर बुकों के अंदर लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जिसे कितने भागों के अंदर बांटा है, तीन भागों के अंदर, जिसमें नाम आता है काराकोरम, लद्दाख, और कौन सी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जास्कर। देखिए, हमारे पास में यहां पर ये जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम माउंटेन रेंज। काराकोरम पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतों के अंदर गिनी जाती है। हम विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन विश्व की जो ऊंचाई वाले शिखर है, ऊंचाई वाली जो पर्वते हैं, उनके अंदर भी जिक्र आता है किसका, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। लेकिन हम डिस्कस करें कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए विश्व के अंदर जितने भी ऊंचे पर्वत है उनके अंदर गिनती होती है कौन सी पर्वत श्रृंखला की, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जिसमें नाम आता है काराकोरम पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है काराकोरम पर्वत, और इसी कारण इसे उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला विश्व के ऊंचाई वाले शिखरों के अंदर, इसके ऊंचाई वाले पर्वतों के अंदर इसकी गिनती होती है काराकोरम पर्वत श्रृंखला की।
अब विश्व के ऊंचाई वाले पर्वतों के अंदर काराकोरम की गिनती हो रही है तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है काराकोरम पर्वत, और इसी कारण इसे उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखें काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है ये हमारे पास में एक क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र का नाम क्या है तो आप याद रखिएगा पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत के पास में भारत के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भारत की सर्वोच्च चोटी पड़ती है, भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है K2। देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी के दो पॉइंट बनेंगे, एक तो भारत की मेन लैंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो ग्रेटर हिमालय महान हिमालय के अंदर स्थित है, लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है K2 जो जम्मू कश्मीर के अधीन जो पीओके का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो पीओके का क्षेत्र है उसके अंदर पड़ती है, और पीओके को पाकिस्तान अपना क्षेत्र बताता है और भारत अपना क्षेत्र बताता है, और सभी इन चीजों से वाकिफ है क्योंकि हमने भारत और पाकिस्तान जो सीमा विवाद का जो वीडियो बना रखा है उसके अंदर हमने ये सभी चीजें दिखा रखी कि ये क्षेत्र कैसे पाकिस्तान के अधीन गया था, लेकिन वर्तमान में जो K2 है ये पीओके का अधीन है। तो याद रखिएगा भारत की सर्वोच्च चोटी K2 आएगी और भारत की मेन लैंड की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा जो महान हिमालय के अंदर पड़ती है सिक्किम के अंदर। तो देखे K2 जो पर्वत श्रृंखला है, K2 पर्वत श्रृंखला को पीओके के अंदर या पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, या पाकिस्तान ने K2 पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या दिया है वो देखें। K2 पर्वत श्रृंखला भारत की सर्वोच्च चोटी है जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। K2 पर्वत श्रृंखला जिसकी ऊंचाई कितना है तो आप याद रखिएगा 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, लेकिन K2 पीओके में है तो पाकिस्तानी सरकार ने K2 को नया नाम क्या दिया गया है तो आप याद रखिएगा चागोरी और सहागोरी, याद रखिएगा चागोरी और सहागोरी ये याद रखिएगा, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में नया नाम दिया गया है K2 को जिसे किस नाम से भी जाना जाता है चागोरी और सहागोरी के नाम से। अब आपके दिल में ये क्वेश्चन आना चाहिए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि K2 पर्वत श्रृंखला का नाम K2 कैसे पड़ा। भाई K2 पर्वत श्रृंखला विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है K2 पर्वत श्रृंखला और काराकोरम के अंदर स्थित है, काराकोरम के अंदर स्थित है तो के से तो भर गया काराकोरम, और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है उसी के कारण याद रखिएगा 2 लगा हुआ है, उसी के कारण 2 लगा हुआ है। लेकिन K2 का नाम K2 किसने रखा था तो 1852 के अंदर एक ब्रिटिश जियोग्राफर, एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता आए थे और उन्होंने इस पहाड़ का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने ही इस पहाड़ का नाम K2 रखा था क्योंकि ये काराकोरम के अंदर स्थित है और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी स्थित है। तो के से काराकोरम और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है 2 रखा गया है, तो आप याद रखिएगा। लेकिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला क्या के अंदर जो भी पहाड़ स्थित है, जो भी अनेक ऊंचाइयों वाले पहाड़ है, उसमें सबसे जो मुश्किल भरा पहाड़ है, जो सबसे कठिन पहाड़ है, कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिस पहाड़ से, जो सबसे मुश्किल पहाड़ है उस मुश्किल पहाड़ का नाम क्या है तो आप याद रखिएगा 8000, याद रखिएगा 8000, याद रखिएगा 8000 उस मुश्किल पहाड़ का नाम है। याद रखिएगा सबसे मुश्किल जो पहाड़ है K2 इसके अंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर उसमें नाम आता है किसका 8000 का नाम आता है। उसके बाद नाम आता है K2 पर्वत श्रृंखला जिसे विकट परिस्थितियों और विकट मौसम के कारण किस नाम से भी जाना जाता है, K2 पर्वत श्रृंखला जिसे विकट परिस्थितियों और विकट मौसम और जटिल प्रक्रियाओं के कारण किस नाम से भी जाना जाता है तो याद रखिएगा K2 पर्वत श्रृंखला जिसे माउंट सुवेस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा माउंट सुवेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा K2 पर्वत श्रृंखला जिसे कठिन परिस्थितियों और विकट मौसम के कारण किस नाम से भी जाना जाता है तो माउंट सुवेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन K2 पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है तो आपने याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन। K2 पर्वत श्रृंखला जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है जिसका दूसरा नाम क्या है तो आप याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन, याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन, ये K2 पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो K2 पर्वत श्रृंखला को अन्य किस नाम से भी जानते हैं तो आप याद रखिएगा स्थानीय लोग इसे छोगोरी के नाम से भी जानते हैं। K2 पर्वत श्रृंखला जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन और स्थानीय लोग इसे किस नाम से भी जानते हैं तो आप याद रखिएगा स्थानीय लोग इसे
छोगोरी के भी नाम से जानते हैं, लेकिन केटू पर्वत श्रृंखला को जो पाकिस्तान ने नामकरण किया है वो चागोरी और शाहगोरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर विश्व के चार प्रमुख ग्लेशियर है। देखिए विश्व के चार प्रमुख ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। अब ग्लेशियर जो है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है और हिंदी में इसे किस नाम से जानते हैं, हिमनद के नाम से जानते हैं। ग्लेशियर या हिमनद होता क्या है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण स्वयं गति करती है, ग्लेशियर, हिमनद और हिमानी के नाम से जानी जाती है। याद रखना है, याद क्या रखना है, ग्लेशियर होता क्या है। पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण स्वयं गति करती है, ग्लेशियर, हिमनद या हिमानी के नाम से जानी जाती है। ये चीजें याद रखिएगा। विश्व के चार प्रमुख ग्लेशियर जिसमें सबसे पहले नाम आता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो सियाचिन ग्लेशियर है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो तजाकिस्तान में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर तजाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर, विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी घाटी के अंदर स्थित है, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर की नुब्रा घाटी के अंदर स्थित है। सियाचिन नाम कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर इस क्षेत्र के अंदर पड़ता है और सियाचिन जो ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर है और सियाचिन ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर के साथ में भी लगता है, पीओके के साथ में भी लगता है और चीन के साथ में भी लगता है, लेकिन पीओके का वह क्षेत्र जो सियाचिन ग्लेशियर के साथ में लगता है उसमें नाम आता है बाल्टिस्तान। याद रखिएगा किसका नाम आता है, बाल्टिस्तान। और बाल्टिस्तान के अंदर जो भाषा बोली जाती है बल्ती भाषा बोली जाती है और उस बल्ती भाषा का ही शब्द है सियाचिन और इस सियाचिन का अर्थ होता है गुलाबों की भरमार। याद रखिएगा सियाचिन का अर्थ होता है गुलाबों की बहुतायत या गुलाबों की भरमार, इसका अर्थ होता है सियाचिन का अर्थ होता है। सियाचिन ग्लेशियर जिसका के ऊपर हमारे जवान तैनात रहते हैं वहां पर आतंकवादी गतिविधियों का कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिम संकलन का सबसे ज्यादा खतरा है। सियाचिन ग्लेशियर जिसके ऊपर पूरे साल लगभग तापमान माइनस के अंदर रहता है। सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। तो याद रखें ये सभी चीजें, सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। तो ये चीजें याद रखनी है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद में ये तो था फर्स्ट ग्लेशियर, उसके बाद में जो सेकेंड ग्लेशियर है उसमें नाम आता है हिस्पार ग्लेशियर, थर्ड जो है उसमें नाम आता है बियाको ग्लेशियर और फोर्थ जो है उसमें नाम आता है बालतोरा ग्लेशियर। ये चारों ग्लेशियर आपने याद रखना है, विश्व के चार प्रमुख ग्लेशियर जिसमें सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बियाको ग्लेशियर और बालतोरा ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, तो आप याद रखिएगा काराकोरम माउंटेन रेंज काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ में इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा, साथ के साथ में नोट करते हैं तो फायदा होगा। उसके बाद में देखें, ये तो था ट्रांस हिमालय का फर्स्ट पार्ट काराकोरम, उसके बाद में ट्रांस हिमालय का सेकेंड पार्ट आता है जिसमें नाम आता है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख माउंटेन रेंज का नाम आता है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तो आप देखते हैं लद्दाख माउंटेन रेंज को देखते हैं, ये आपने याद रखना है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो सबसे मुश्किल पहाड़ है, याद रखिएगा सबसे मुश्किल पहाड़ कौन सा है, 8000 सबसे मुश्किल पहाड़ है। ये हो गया, अब हम बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला की। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर और कहां पर फैली है, तो आप याद रखिएगा तिब्बत, ये जो क्षेत्र है ये सारा क्षेत्र किसका है, तिब्बत का क्षेत्र है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर और तिब्बत में फैली है, लेकिन तिब्बत में इसे लद्दाख पर्वत श्रृंखला के नाम से नहीं जानते हैं, तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि कैलाश पर्वत के अंदर एक झील स्थित है और उस झील का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा मानसरोवर झील उस झील का नाम है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर और तिब्बत में फैली है। तिब्बत में लद्दाख पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा कैलाश पर्वत के अंदर के नाम से। और कैलाश पर्वत जिसके अंदर एक झील स्थित है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील वही झील है जो आपने देखी थी। देखिए यहां पर हमारे पास में पड़ती है एक मानसरोवर झील पड़ती है, और ये मानसरोवर झील वही झील है जो आपने नदियों के चैप्टर में देखी थी, जहां से निकलती है नदी सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और मानसरोवर झील कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा लद्दाख के नाम से। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख। याद रखिएगा ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट जो है शीत मरुस्थल कौन सा है, तो आप याद रखिएगा लद्दाख। ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जिसमें नाम आता है लद्दाख का। अब लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है, इस लद्दाख पर्वत श्रृंखला के ऊपर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसमें नाम आता है राकापोसी, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। और ये कहां पर, कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है, तो आप याद रखिएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला दो नदियों के मध्य स्थित है। लद्दाख जो माउंटेन रेंज है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला जिसके ऊपर से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सयोक, याद रखिएगा। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला जिसके दक्षिण से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उस नदी का नाम है सिंधु नदी। लद्दाख पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है, तो सयोक और सिंधु नदी के मध्य लद्दाख पर्वत श्रृंखला पड़ती है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जिसके अंदर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जिसका नाम है राकापोसी, जिसका नाम है, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उसमें नाम आता है जास्कर पर्वत श्रृंखला का। लद्दाख पर्वत श्रृंखला आपके माइंड में आ गया होगा, साथ ही साथ में नोट कर लीजिए, समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर पर्वत श्रृंखला का नाम आता है। पहला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है जास्कर, और जास्कर पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी पर्वतों के मध्य है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला के नीचे पड़ता महान हिमालय, और महान हिमालय और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के मध्य पड़ती है कौन सी पर्वत श्रृंखला, जास्कर। आइए देख लेते हैं एक बार जास्कर पर्वत श्रृंखला। बस आप ये याद रखिएगा जो सिंधु नदी और सयोक नदी के मध्य है वो कौन सी है, लद्दाख। और भारत का एकमात्र कोल्ड जो डेजर्ट है शीत मरुस्थल है वो भी कौन सा है, लद्दाख है। उसके बाद में हमारे पास में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, इस पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं, जास्कर माउंटेन रेंज के नाम से, जास्कर पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जास्कर पर्वत श्रृंखला आपने याद रखना है ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे शुरुआत होती है वो महान हिमालय आता है, महान हिमालय से ऊपर और लद्दाख के नीचे स्थित है जास्कर। जास्कर पर्वत श्रृंखला और लद्दाख पर्वत श्रृंखला से एक नदी मध्य से, इनके मध्य से एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन सी दो पर्वतों के मध्य घाटी बनाती है, तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य सिंधु नदी घाटी बनाती है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर का लेह स्थान कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आपने याद रखना है सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। लेह स्थान कौन सी दो पर्वतों के मध्य पड़ता है, तो लेह स्थान आपने याद रखना है कौन कौन से, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य पड़ता है जम्मू कश्मीर का लेह स्थान। उसके बाद में नाम आता है लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला जिसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है, याद रखिएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर टैथिस सागर के अवसाद विद्यमान है, और ये हमें देखने को भी मिलता है, यहां पर जीवाश्म वगैरह भी मिलते हैं, फॉसिल्स वगैरह भी मिलते हैं। आपने याद रखना है टैथिस सागर के जो अवसाद विद्यमान है वो कौन सी घाटियों के अंदर, कौन सी पर्वतों के मध्य स्थित है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है,
याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य या उनके नीचे या उनके धरातल सतह पर कौन सी चट्टानें मिलती हैं, तो आप याद रखिएगा परतदार चट्टान मिलती है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। लद्दाख और जास्कर की जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये ट्रांस हिमालय के पार्ट थे कुछ, और ट्रांस हिमालय से पहले हमने जो हिमालय वगैरह है उसके कुछ पॉइंट बताए हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपसे महान हिमालय, और उसमें उसके बाद में नाम आता है मिडाइवल हिमालय, लघु हिमालय का, दोनों बताएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और हिमालय के ऊपर हमारा उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए, और हिमालय के ऊपर हम लगभग 3 से 4 वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन ये आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।